अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ दम चिकन, और ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ है मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ की प्याज जिसको मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है, और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 kg चिकन। ये मैं डाल दूंगी इसमें प्याज और चिकन दोनों चले गई है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ अपने मसाले। मसालों में मेरे पास है सौंफ, ये है मेरे पास सौंफ, मैं इसको मैंने पाउडर बना लिया है, और ये यहाँ पर ज़ीरा और धनिया मिक्स है जिसको मैंने भुना है और पीसा है, ज़ीरा और धनिया दोनों। तो ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सौंफ और ये सारा इसका मसाला। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे ज़रूरत। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कड़ी पाउडर, एक चला गया कड़ी पाउडर। इसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसी के साथ जाएगा इसमें योगर्ट। इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेंगे, ये इसी दही के पानी में और इसमें बनेगी। अब मैं इसको मैरिनेट करके हाफ आवर के लिए मैं इसको रख दूंगी। अब मैंने यहाँ तेल रखूँगी गरम। यहाँ मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच, मैंने 2 से 2.5 खाने के चम्मच आप कर लें। तो यहाँ मैंने लिया है ऑयल गरम। अब जैसे ही मेरा ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 दाने लौंग के और 6 दाने काली मिर्ची के, 6 से 7 ये आप डाल दें, ये थोड़ा कड़क जाने दें इसको। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ मैं अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डाल दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनूंगी चिकन को। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मसाले को बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब जो मेरा बाउल के अंदर मसाले लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर और मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये मेरा मसाला और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन मेरी अच्छे से गल जाए, एकदम टेंडर हो जाए। तो अब मैं इसमें ही इसको पका लूँगी, और इसके अलावा और मैं कुछ भी इसमें अभी नहीं डालूँगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा अच्छे से सालन पक चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है और बिल्कुल अलग हो रही है, बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है मेरा सालन। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया अभी और थोड़ा सा बाद में गार्निशिंग के लिए, और इसी के साथ मैं डालूंगी हरी मिर्चें। ये मेरे पास थोड़ी सी तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी तीखी होती हैं, तो ये मैं डाल के इसको मिक्स करूँगी, और इसको मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया छिड़कूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट डिश में। अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलती हूँ नेक्स्ट डिश में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।